प्रिय साथियों, आज जो समाचार निमाड़ा विधानसभा के और विशेष करके निमाड़ा नगर के मिले हैं, हिला के रख दिया है। इतनी उम्मीद मेरे नहीं कर रहा था कि इतने केस मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इस महामारी पर विजय हासिल करेंगे। मैं अभी अपने घर केसुदा से बोल रहा हूँ। अगर ये शक्ति जो आज करने की प्रशासन सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ, या आप भी विचार कर रहे हैं कि अब शक्ति होनी चाहिए, कि अगर 10 दिन पहले 20 दिन पहले अपन शक्ति कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस और प्रशासन जो कुछ हिदायत दे उसके अनुसार पालन करें। उसमें चाहे आपको 2 दिन रोटी नहीं मिले तो भी बर्दाश्त करें। पानी की व्यवस्था भगवान की दया से अपने सब जगह है, आ रहा है, और कोई भूखे मरने की स्थिति में नहीं है। 2 दिन सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी, पानी बताशे नहीं मिलेंगे तो क्या मर जाएंगे क्या? लेकिन इस लापरवाही ने निमाड़ा को हिला के रख दिया है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि चाहे कितनी भी परेशानी आवे उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के आदेश का पालन करें और अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। सावधानी रखें, अपने और अपने बच्चों का भविष्य देखें। यह बीमारी ऐसी है कि कहां से उठ के आ जाएगी किसी को कोई पता नहीं। मैं भी घूम रहा था, मैंने भी निमाड़ा में मीटिंगें ली है, सबसे मिला हूं, जो आज पॉजिटिव आए उनसे भी मैं मिला हूं। उसके बाद भी मैं हिम्मत से ये आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज से मैं भी सावधान हूं, मैं भी किसी से नहीं मिलूंगा। और आपसे भी निवेदन है कि आप किसी से नहीं मिले, और अगर कोई खाना नहीं मिले 2 दिन तो उससे कोई अपनी जिंदगी खराब नहीं होगी। जैन समाज के साधु 1-1 महीने तक खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद भी वो जीवित रहते हैं, तो 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो और जिंदा नहीं रहेंगे। और खाना तो वैसे भी आ रहा है, सप्लाई हो रही है, लेकिन ये सब्जी है और दूध और ये है वो है, बाजार में पान तंबाकू सिगरेट खाने के लिए भी आप निकलते हैं। इस कारण से निमाड़ा की ये स्थिति हुई है। इसलिए मेरा सख्त से सख्त निवेदन है और हाथ जोड़ कर निवेदन है आपसे कि आप बिल्कुल पुलिस और प्रशासन के आदेशों का पालन करें। और पुलिस और प्रशासन चाहे नहीं कहें उसके बाद भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें। धन्यवाद।